अस्सलामुअलैकुम। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अमेज़न की आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लें कि अमेज़न की आईडी दो तरह की होती है, एक होता है बायर अकाउंट और एक होता है अमेज़न का सेलर अकाउंट। हम मेनली बात करने जा रहे हैं अमेज़न सेलर अकाउंट। बायर अकाउंट तो बड़ी आसानी से बन जाता है, बस अपना ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आप देते हैं और आपका बायर अकाउंट बन जाता है अगर आपने अमेज़न की कोई चीज खरीदनी है। अब इसमें हमारा ज्यादा ताल्लुक नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमने कहा यूके यूएसए से या क्यों खरीदनी है, हमें हर चीज जांच की जाती है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि बायर अकाउंट आप आसानी से जाके अमेजोन पे जाएंगे amazon.com या amazon.co.uk पे और वहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे। बड़ी आसानी से आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसमें कोड आएगा, आपका अकाउंट बनेगा। हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमने अमेजोन पे बेचना है तो बेचने वालों का अकाउंट अलग होता है, उसको कहते हैं सेलर कंट्री। तो आप जाएंगे sellercentral.amazon.com या सिंपली गूगल पे जाकर लिखेंगे अमेजोन सेलर अकाउंट। अब सेलर अकाउंट हर मुल्क के लिए अलग अलग होता है, बस एक ही आईडी पे जाता है। ये हम जब मैं आपको बताऊंगा तब हम सीख लेंगे। लेकिन अमेजोन यूके के लिए होगा sellercentral.amazon.co.uk और अमेरिका के लिए होगा sellercentral.amazon.com। इस तरह हर मुल्क के लिए जो भी उनका वेबसाइट है उसके हिसाब से होगा। सेलर अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंट बिल्कुल बेसिक चीज है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट या आईडी कार्ड दोनों में से चाहिए। सेकंड नंबर पे एक ईमेल एड्रेस आपको चाहिए और एक आपको मोबाइल नंबर चाहिए, जिस कोड आएंगे और जो आपके अकाउंट में होगा। अगली रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी आपको एक बिल चाहिए होगा, यूटिलिटी का बिल, जहाँ भी आप रह रहे हैं जो भी आपका एड्रेस। एक आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और एक आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड। सिंपल चीज, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने पैसों के लिए नहीं देखा, वो सिर्फ आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस और इस चीज के लिए कि आपका वाकई अकाउंट है, मतलब सिर्फ अकाउंट के प्रूफ के लिए। इवन अमेज़न आपको ये कहता है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट छुपाना चाह रहे हैं तो आप स्टेटमेंट निकलवाएं, सारा ब्लर कर दें नीचे से जो आपके ट्रांजेक्शन है। अमेज़न तो सिर्फ ऊपर आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया। आपके स्टेटमेंट या आपके ट्रांजेक्शन से अमेज़न का कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो आप अमेज़न की सेलर आईडी बना सकते हैं। अब आ जाती है वो बात जो लोग सोचते हैं कि अमेज़न पाकिस्तान में आ गया, आईडी के लिए आ गया। अब आपकी आईडी पाकिस्तान से बैठ के बनती है, आप अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाएंगे, पाकिस्तानी बिल लगाएंगे, पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी, पाकिस्तानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड फ्लेक्सिबल है, डेबिट कार्ड पर मसला आ गया, बस दफ़ा किसी बैंक का यूज़ हो जाता है, नहीं होता। लेकिन जो असल अमेज़न की रिक्वायरमेंट है वो क्रेडिट, लेकिन लोग डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, कुछ बैंक हो जाता है, तो अमेज़न को उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब आपने ये सब डॉक्यूमेंट कर लिए तो अब आपने एक चीज ध्यान रखना है कि आपका आईडी कार्ड नया वाला होगा, जो आपने कार्ड के साथ ख्याल रखना है, कार्ड आपका मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए, जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरे कार्ड इश्यूज आ जाते हैं। और आप लोगों ने ये लेक्चर देखने के बाद ये आईडी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, मैं आपको अपनी वीडियो में ये पूरा काम करके दिखाऊंगा उसके बाद, और उसके बाद भी हमें ज़रूरत नहीं है ये भी। अभी आप ये चीज़ सीख रहे हैं, ये आईडी उन लोगों को चाहिए जिन्होंने अमेज़न पर बेचना है। हाँ, आप अपने क्लाइंट के लिए आईडी बनाएंगे तो इसलिए आपने अपना पासपोर्ट या अपने आईडी कार्ड से आईडी बनाकर लाया नहीं देनी, क्योंकि अगर आपने कोशिश कर ली और मसला आ गया और सस्पेंड हो गई तो आपके नाम पर दोबारा आईडी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ये प्रैक्टिस करिए, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी आईडी आप लोगों ने नहीं बना, आप लोगों ने जो अपनी आईडी बनानी होगी एज अ वर्कर, एज अ फ्रीलांसर, वो अपना फाइबर पे बनानी होगी जो हम एंड पे जाते हैं। तो ये सब आपके इंफॉर्मेशन के लिए होगा कुछ, कि आप अपने क्लाइंट आपका आ जाता है, वो कहते हैं मैं बिल्कुल जीरो से हूँ, तो ये ले मेरा पासपोर्ट जो एंड किए जी। हम अपनी वीडियो में एंड किए, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम अमेज़न की आईडी कैसे क्रिएट, अमेज़न का अकाउंट कैसे बनता है, जिस अकाउंट में लोग काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उसको हम बनाते कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे अमेज़न सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब अमेज़न सेलर सेंट्रल जब लिखा तो उसने हमें सजेशन दे दिया नीचे कि यूके यूएसए इंडिया। हम लोग आईडी क्रिएट करेंगे amazon.com, यानी अमेज़न की जो अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे। अच्छा, तरीका क्या है, जिस तरह आपने अगर लाहौर में एक मॉल में आपने शॉप लेनी है तो वहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फैसलाबाद में लेनी है वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं,
तो जब आपको एक जगह पे शॉप लेनी है, शॉप बनानी आ गई, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे अमेरिकन मार्केट में जाते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया Amazon Seller Center US। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने आ गया sellercentral.amazon.com। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कह रहे हैं लॉग इन और ये कह रहे हैं साइन अप, दो ऑप्शन का। लॉग इन का मतलब ये है कि अगर आपको ऑलरेडी आई डी है, ये जब आप बना लेंगे और आई डी बनाने के बाद जब आप ये खोलेंगे तो आप लॉग इन करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले शॉप एग्जाम्पल दी है, आपने मॉल में एक शॉप ले ली, तो आपने शॉप ले ली है, जब आप शॉप ले लेंगे और दोबारा कभी शॉप पे आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास चाबी होगी, आप लॉक खोलेंगे और शॉप के अंदर आएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी कुछ नहीं देंगे, पहले दफ़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी है, आपको शॉप क्रिएट करनी है, शॉप में बैनर लगाने हैं, उसको कलर स्कीम आपने देखना है, उसका काम करना पहली दफ़ा। अभी हम क्योंकि पहली दफ़ा आ रहे हैं, हम क्योंकि अमेजोन पे आईडी बनाने जा रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे साइन अप पे। अच्छा साइन अप क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर देना जो आ रहा है, ये उसके लिए ना जिसके पास पहले से छाप लिया है, पहले से कोई अकाउंट बना, हमने तो काम करना सीधा ये नीचे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, इसमें हमने क्लिक कर दिया। अच्छा वो कहता है कि आपका नाम क्या है, हमने अपना नाम लिख दिया जी, नाम है भी हाफिज। अच्छा फिर वो कहता है कि जी ईमेल एड्रेस क्या है, एक ईमेल एड्रेस हमें चाहिए जहाँ पे हमें कोड आएगा, ओटीपी कोड आएगा, कोई भी चीज़ आप आईडी बनाते हैं ना तो वो उस पर एक नंबर या एक ईमेल एड्रेस लिंक कर देगा, ईमेल पे या इस मोबाइल नंबर पे आपको कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा कि बाकी ये आपका ईमेल एड्रेस है या आपका मोबाइल नंबर है। तो अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं, अच्छा जी नाम हमने लिख दिया, अब हम एक ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हम दे रहे हैं जी, ये मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा, आपके क्लाइंट का जो होगा, जिस भी आप आईडी क्रिएट करा उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिखिए। अच्छा अब हमने पासवर्ड भी अपना सेट कर लिया और हमने उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया, वो कह रहे जी मैंने आपको इस ईमेल एड्रेस पे कोड भेजा है, अमेज़न कह रहे जी मुझे कोड बताए ताकि अमेज़न को पता चले कि बाकी ये आपका ईमेल एड्रेस है। अब हम यहाँ पे कोड, अब हम इसका कोड एंटर कर रहे हैं, कोड हमारे पास आ गया जी 280104, हमने इसके बाद क्लिक कर दिया, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक हो गया हमारा। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन दिखा दी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे पिछले वीडियोस में कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे आपको ये भी बता देगा। वो कहते हैं कि एक आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी होनी चाहिए, वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडीज में आपके पास आईडी कार्ड भी आता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आता है या पासपोर्ट, इन तीनों में से आपकी कोई भी आईडी हो। वो कहते हैं कि रीसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा बैंक स्टेटमेंट का पैसों से कोई लेना नहीं, हमारे यहाँ स्टेटमेंट से और मुराद भी जा सकता है, यहाँ पे उसमें सिर्फ आपका ये वेरीफाई करना कि आपका बैंक अकाउंट है, अमेज़न आपको यहाँ से अलाउ करता है कि अगर आपकी कोई सीक्रेट है या आपकी पेमेंट का मामला सीक्रेट है तो आपने जो स्टेटमेंट देनी है अमेज़न कहता है सारी ब्लर करके दे दे, बस ऊपर आपका नाम अकाउंट नंबर ऊपर का जो लिखा है ना पेमेंट के ऊपर वो बने इसे दे दे, तो आप ये स्टेटमेंट फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं हम लोग, हमारा बैंक अकाउंट बाकी है हम जनरल। उसके बाद चार्जेबल क्रेडिट कार्ड अमेज़न की फीस होती है मंथली, अच्छा मंथली फीस अमेज़न की जो आई डी होती है ना माइंड में रखने का दो तरह की होती है, एक होती है जिसका टैक्स आपके पास $40 अमेज़न चार्ज करता है आपको, और एक आईडी होती है आपकी कि आप वो प्रोफेशनल आईडी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल आईडी वैसे ही बना लेते हैं कि कभी कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे बेच ले तो अमेज़न आपको बेचने में कुछ चार्ज कर लेगा, यानी जो उसने परसेंटेज चार्ज करें किसी भी प्रोडक्ट में वो अलग चार्ज करेगा, बेचने के $1 या $2 आपको चार्ज करेगा क्योंकि आपने जो कि अकाउंट नहीं बनाया वैसे नहीं देते मंथली, इसलिए आप उतने पैसे दे दें। लेकिन हम क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट का काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, हमारे क्लाइंट्स होंगे, तो हमें प्रोफेशनल आईडी पे ही जाना $40 पर मंथ पे, तो अमेज़न कहते हैं आपके पास कार्ड है हमारे बिजनेस की लोकेशन पाकिस्तान है, ये तो आपका जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो जो भी होगा वो आप लोग लिखते हैं, या जिस कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं अगर आप यूएसए में करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे यूएसए भी कर सकते हैं। अच्छा वो बिजनेस का टाइप पूछ रहा है कि ये प्राइवेटली ओन बिजनेस है या आप अकेले से मालिक हैं, अपनी कंपनी है जी, आपका क्लाइंट भी आपको बताएगा कि मेरी ये कंपनी है या मैं इंडिविजुअल बेस पर चलाता हूँ, तो हम इसको बना देते हैं कि वो कहते हैं जी ना आई एम इंडिविजुअल, कहते हैं हमारी कोई कंपनी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, मैंने अपना अकाउंट बनाना है,
अच्छा वो आप पूछ रहा है जी, यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है दोबारा से, नाम हम लिख देते हैं जी आफिर मोहम्मद शाम, इसको एग्री कर लेते हैं कि शाम का एप्लीकेशन से हम एग्री करते हैं, आप हमसे भी हम एग्री सकते हैं। चलें जी, आप अमेजोन हमें अगले स्टेप पे आया, अगले स्टेप हम पूछ रहे हैं ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप। आपने ये माइंड में रखना है कि क्योंकि पाकिस्तान की आईजी ऑफिशियली अमेजोन अलाउ करता है पाकिस्तान में आने को, आप बेशक बिजनेस अमेरिका में करें लेकिन आपकी जो ओनरशिप है, आप ये पूछ रहे हैं आपकी ओनरशिप, आपकी कितनी ओनरशिप, आप कितनी चीज़ें आपको पाकिस्तान में, तो हम यहाँ पे कर लेंगे जी पाकिस्तान है जी, हमने यहाँ पे पाकिस्तान कर दिया। उसने कहा जी कंट्री ऑफ बर्थ, हो सकता है एक आदमी अमेरिकन नेशनल है लेकिन वो पैदा पाकिस्तान में हुआ है तो उसकी नेशनलिटी अमेरिकन होगी लेकिन कंट्री ऑफ बर्थ तो उसका पाकिस्तान में आएगा। जहाँ भी आपका क्लाइंट या आप जो भी आईडी बना रहे हैं पैदा हुआ है यहाँ पे जो बर्थ आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब हम ये एक डेमो क्लास ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पे लिख दें। हम कहते हैं जी अब फर्स्ट करें जी मेरी बर्थ जी 1 जनवरी है। वो पूछते थे आप मुझे आईडी का क्या प्रूफ देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहे थे पासपोर्ट और आईडी का, दोनों में से आप कोई भी देते, हो सकता है जब आप अपना कंट्री यूके सेलेक्ट करें तो वो सारे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन भी देंगे, ये कंट्री टू कंट्री वेरी किया होता है। मैं कहता हूँ जी मैं आपको अपना पासपोर्ट दे दूंगा, पासपोर्ट मैंने कर दिया। वो कहते हैं कि पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ, मैंने कहा जी पाकिस्तान से इशू हुआ। अच्छा आप वो कह रहे जी पासपोर्ट नंबर, मैंने एग्जाम्पल दे दी यहाँ से कोई भी, डेट ऑफ एक्सपायरी को पूछ रहे हैं एग्जाम्पल दे दी। जो भी आपकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि एड्रेस, यहाँ पे हमने अपना आप उसको एड्रेस देना है। हम कहते हैं जी हमारा एड्रेस है, पोस्टल कोड है जी 00000, एड्रेस है जी हमारा, एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा एड्रेस जी CG Skill, एड्रेस लाइन 2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आगे जी वर्चुअल यूनिवर्स। वो पूछ रहे जी आप शहर, निकाल जी लाहौर है, स्टेट रीजन हम कहते हैं जी ये, यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे स्टेट नहीं है हमारे यहाँ तो हम कह देंगे जब। अच्छा अब वो कहते हैं जी जिस तरह हमने ईमेल एड्रेस पे कोड मंगवाया था वो हमें SMS के थ्रू मोबाइल पे रिपोर्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे भी अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। अच्छा जी मोबाइल नंबर हमने लिख लिया, हमने कहा जी SMS जो आएगा हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। उसके बाद हमने क्लिक किया जी सेंड, अब उसने हमें इस नंबर पे एक कोड भेज दिया जैसे पहले ईमेल भेज दिया। अच्छा जी हमारे पास OTP नंबर आ गया, हमने वो लिखा 287695 और हमने इसको वेरीफाई किया, उसका कैजी वेरीफाई हो गया, हमने कोशिश की। अब वो हमारे से क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहे कि जी आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है, उसकी भी हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी जी सिंध नगर का क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया और ये एक्सपायरी आ गई। कार्ड होल्डर का नेम अगेन हम लिख देते हैं जी हाफिज अहमद और अब्दुल। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला लेकिन उसने कहा जी नॉट स्पॉटेड, क्योंकि यहाँ पे आप अमेजोन के अकाउंट के साथ हम खेल नहीं सकते, यहाँ पे हमें ओरिजिनल कार्ड नंबर डालना होगा। ओरिजिनल कार्ड नंबर आप जब डाल देंगे और उसके बाद आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने जो अमेजोन को कहा था पिछले पेज पे आपने अपना पासपोर्ट बताया, पासपोर्ट के बारे में बताई, पासपोर्ट का नंबर बताया, तो अमेजोन आपको कहेगा अब आपके तारीख से अपलोड दूसरा आप पिक्चर अपलोड करें, तो आप पिक्चर अपलोड कर देंगे वहाँ पे हर चीज और उसके बाद फिनिश भी करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपने ये ट्राई नहीं करनी, कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस और जो एक मोबाइल नंबर अमेजोन के रिकॉर्ड में एकदम चला गया वो आप दोबारा यूज नहीं करेंगे आईडी, और आईडी क्रिएट करते हुए आपकी गलती होगी, आपका सस्पेंड हो गया और उस मोबाइल नंबर और उस ईमेल और उस पासवर्ड पे दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा, तो आप लोगों ने कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, आप लोगों को बस प्रोसेस का पता चल गया, आपको कोशिश नहीं करनी जब तक आपके पास क्लाइंट ना आए, क्लाइंट आएगा तो उसकी आईडी बनानी है, खुद से अपना अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी वरना आप हमेशा के लिए अमेजोन की लिस्ट पे ब्लैक लिस्ट। जैसा मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया, पहले भी क्लियर कर दिया, एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैंने एक डेमो क्लास की है कि आप काम करते हैं, आपने ये काम कभी नहीं करना जब तक आपका क्लाइंट आपको नहीं कहता कि मेरी आईडी क्रिएट हो, आप इसे प्रोसेस फॉलो करेंगे, आईडी क्रिएट कर देंगे, अगले पेजेस पे जाते जाएंगे, जिस तरह मैं अगर पहले पेज पे जाता हूँ और आपको सेकंड पे ना लेके जाता हूँ तो आपको मुझसे पता है नेक्स्ट क्लिक करके आगे वो क्या मांग रहा है, पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, पासपोर्ट की एक्सपायरी मांग रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें, जो जो चीज़ें वो मांगता जा रहा है वो आप उसको लेते जाएंगे, तो आपके मतलब चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे।
हम लोग बात करने जा रहे हैं चाइल्ड अकाउंट से। चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप अमेजोन की आईडी क्रिएट करते हैं या जो आपके क्लाइंट की अमेजोन की आईडी होती है उसके पास तीन एक्सेस होता है, उसको हम कहते हैं पेरेंट आईडी। लेकिन जब वो किसी पेमेंट एक्सेस के साथ आपको अपनी आईडी देता है काम करने के लिए तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। हम इसके डिटेल में जाते हैं। एक और आपको सादा सी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी का घर है, वो आपको कहते हैं जी आपने मेरे घर में बैठ कर काम किया। उसके घर के चार कमरे हैं, वो आपको दो कमरों की एक्सेस देता है और दो कमरों को ताला लगा देता है। तो जिन दो कमरों की आपको वो ताला लगा रहा है, दो की एक्सेस दे रहे हैं, इसका मतलब है वो आपको चाइल्ड अकाउंट दे रहा है। चाइल्ड अकाउंट से मुराद है लिमिटेड एक्सेस। इसी तरह अमेजोन का एक अकाउंट है, उसमें 10 चीज़ें हैं, वो आपको पाँच चीज़ों की एक्सेस दे देता है जो आपसे रेलिवेंट है, यानी पेमेंट की एक्सेस तो आपको नहीं देता पेमेंट ट्रांसफर करने की, और ये उसकी मर्जी पर होता है। चाइल्ड अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि सबको चाइल्ड अकाउंट में एक ही एक्सेस हो। जिस तरह मैंने घर की एग्जाम्पल 10 कमरों की एग्जाम्पल दी, एक आदमी के घर के 10 कमरे हैं, वो क्या करता है, वो कहता है कि हाफिज अहमद को मैं चाइल्ड एक्सेस देता हूँ 6 कमरों की, लेकिन एक और एक्सेस को वो कहता है कि आपको मैं 8 कमरों की एक्सेस दूंगा, अगले महीने वो किसी और को देता है, वो कहता है कि आपको 4 कमरों की। तो जो आपका पेरेंट अकाउंट होगा आपके क्लाइंट का, वो जब यूजर थ्रू आपको एक्सेस देगा तो वो आपको किसी भी चीज़ की एक्सेस देगा। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको क्यों चाइल्ड एक्सेस देगा वो आपको मिसाल से समझ में आ गई है। अगर किसी के घर के 10 कमरे हैं, 2 कमरे में उसका कीमती सामान पड़ा है तो वो उस वक्त लॉक लगा कर रखेगा, बाकी आपको दे देगा, उसका कीमती सामान के साथ आपका काम ही नहीं है। इसी तरह अमेजोन पर उसके पेमेंट के साथ आपका काम नहीं है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज कर देना, उसका मोबाइल नंबर चेंज कर देना, ये आपका काम ही नहीं है, इसलिए वो आपको इसके एक्सेस नहीं देगा। तो आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे अगर तो वो खुद ही आपको चाइल्ड अकाउंट कर सकते, अगर वो पूछे कि मैं आपको कैसे, तो नया क्लाइंट है उसे पता ही नहीं है चाइल्ड, और इस तरह के क्लाइंट होते हैं, तो आपने उसे कहना जी अमेजोन सेटिंग्स में यूजर परमिशन का जो टैब होता है ना, यूजर परमिशन, बस ये एक लफ्ज़ याद रखिए, समझ जाए, यूजर परमिशन में से जाके आप उसे बताएंगे आपने मुझे एक्सेस दे दिए, उसमें आपके पास एक्सेस आएगी। अच्छा, वो किस एक्सेस देगा आपको, वो आपको लिस्ट क्रिएशन की एक्सेस देगा, वो आपको पीपीसी चलाने की एक्सेस देगा, वो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करने की एक्सेस देगा, जो भी काम आपके, आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम कर रहे हैं तो आपके करने के काम है उसके आपको। अच्छा, और अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इतना बिजनेस करेंगे अमेजोन से, तो आप अगर किसी और से काम करवाते हैं इसी तरह आप उसको भी चाइल्ड अकाउंट देंगे ताकि आपके साथ किसी चीज का फ्रॉड ना हो, क्योंकि अगर आपके पास अगर आप पूरी एक्सेस दे देंगे तो वो कोई ना कोई फ्रॉड आपके साथ कर सकता है, ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, बैंक अकाउंट भी चेंज करके कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप खुद करें या आप दूसरे का काम करें। जब आपके पास चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस है तो आप जो ग्रेजर टीम है उनको छोड़े नहीं सकते। आपने अपना वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या, उसका काम है कि उसने क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट हंट करनी, उसका तो अमेजोन आईडी सेलिंग तो नहीं है। आईडी के ऊपर आके जो आपका काम है वो क्या है, फीले लगानी है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, चलानी है, बाकी काम तो आपने और टूल्स है। हेलियम 10 पे आपने चेक करना कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रह गया, वो आपने अमेजोन से नहीं करना। तो इसलिए आप चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस अगर किसी को देंगे तो चाइल्ड की देंगे, आपको भी जो मिलेगी वो चाइल्ड अकाउंट की मिलेगी। आसान अल्फाज में आपको बता चुका हूँ, पेरेंट अकाउंट बस पूरी एक्सेस है, एक घर की एग्जाम्पल, एक बंदे का घर है, पूरा घर उसका है, और अगर वो आपको एक या दो या तीन कमरों पर दे रहे हैं तो उसको कुछ है नहीं, इसमें आपको चाइल्ड अकाउंट दिया है ताकि आप इतना काम है वो करें, बाकी उसका जाती मामला है वो आपको नहीं दे। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने हंट की है उसके लिए हमने कौन से टूल्स यूज करने हैं और उन टूल्स की क्या क्या मुश्किल है। मेनली हम लोग यहाँ पे चार टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 जंगल स्काउट, नंबर 2 बक्सपर्ट्स, नंबर 3 हेलियम 10 और नंबर 4 ये चार टूल्स की मदद से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट, इन्हें मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ कौन सा टूल क्या काम करेगा, और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे टूल यूज करके दिखाऊंगा, सारे काम करके दिखाऊंगा। जंगल स्काउट हमें बताता है कि किस बंदे की कितनी सेल है, मंथली कितनी सेल है, डेली कितनी सेल है, ये आपको सेल्स का डाटा निकाल देगा। जो आप जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो जब आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है, महीने का कितना बेच रहा है, ये हमें बताएगा जंगल स्काउट। मर्चेंट बर्ड हमें हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च कि कौन से कीवर्ड को कितने लोग हों, उसने ग्लास है तो वो हमें बताएगा कि ग्लास में रेलिवेंट कितने कीवर्ड, ग्लास को वाटर, ग्लास को टी को लेते हैं, कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स में किस कीवर्ड को कितना सर्च किया जाए, ग्लास को लोग 50,000 लोग ढूंढ रहे हैं डेली का आके, ग्लास को और बॉटल को आके लोग 30,000 लोग ढूंढ रहे हैं, तो ये हमें
वो चीजें बताएगा कि किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं, ये हमारे कहाँ पे काम आएगा जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे। उसमें हम ये कीवर्ड सेट करेंगे कि जो टॉप पे ढूंढे जाने वाले कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में आएंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स में, लिस्टिंग में। इसी तरह हीलियम 10 हमें हेल्प करता है, कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमें वो रिपोर्ट में कंपेटिटर के एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं, जहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग हमने एक रिपोर्ट निकालनी होती है। ये सारा आप हंटिंग में प्रैक्टिकली सकते हैं। अगर सिर्फ आपके अल्फाज ये वर्ड याद करने की चीज़ें चीज़ें आप कीपा भी है, वो भी आपको कंपेटिटर डाटा निकाल के देता है, आपको बैक लॉग निकाल के देता है, बैक डाटा आप ना हो, मल्टीपल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थ्योरी पे काफ़ी बात की है, सारी चीज़ें अभी हम बातों में हम लेंगे। अभी हम ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीलियम 10 में। हीलियम 10 पे हम बात करेंगे हीलियम क्या है, और हीलियम 10 बेसिकली आप लोगों को आइडिया तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसमें आप कंपेटिटर के एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड मेरे सिस्टम में रैंक है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल इसमें डिस्कस होती है, इसमें रिपोर्ट होती है, इसमें होता है, इम्प्रूव होता है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये काम हम गूगल पूछेंगे सबसे हीलियम 10 लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने ये हीलियम 10 आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने इसका सिंटैक्स देख के ना ये नहीं सोचना क्योंकि ये क्या चीज है, मुझे तो ये समझ नहीं आएगी, ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और हम सिर्फ वो चीजें देखेंगे, वो चीजें समझेंगे जो हमारे से रेलिवेंट, हमारे से रेलिवेंट। सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिसर्च की बार आपके सामने आ रहा है, इसमें ब्लैक बॉक्स है। एक आपने ब्लैक बॉक्स याद कर लेना कि जो आपसे रेलिवेंट है, ब्लैक बॉक्स के बाद एक उससे रिपोर्ट, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर ये कीवर्ड रिसर्च का बाहर नीचे आ रहा है, जिसमें सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो चीज़ें हमारे पास। तो सेरिब्रो, मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स और उससे रिपोर्ट, ये चार चीज़ें हमारे काम की है। इसके अलावा आपको जो कुछ इसमें नज़र आ रहा है आप उसको भी इग्नोर करें, यानी तो बहुत सारे बाहर आ रहे हैं आप इग्नोर कर लीजिए, आपके काम के नहीं। आप लोगों ने हमेशा जब भी काम करना है अपने काम पर फोकस करना है, और मल्टीपल चीज़ों में कभी घबराना नहीं है। आपको कुछ है जी, आप वो आप वहाँ वाला टैब यूज़र को देखिएगा, आपसे रेलिवेंट नहीं, इसका रेलिवेंट होता तो मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों ने टू दी पॉइंट काम सीखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़ जाएंगे तो नीचे आके देखिए, अगर आप इन चीज़ों को ढूंढने लग जाएंगे आप इतने कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या किया, और ये रेलिवेंट आप हीलियम 10 हमारे सामने यहाँ पे ये सैमसंग के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, अभी तो नहीं हो रहा हमारे पास। तो हम पहले ये सीख रहे हैं कि हमने हीलियम 10 यहाँ पे लेके चलते हैं, क्योंकि हीलियम 10 यहाँ पर आएगा तो हम एक्सरे रिपोर्ट और सारी चीज़ों में आपको नहीं कर सकता। अभी हम हीलियम 10 को बंद कर देते हैं एक दफ़ा, हम वापस आ गए गूगल को और यहाँ पे हमने लिखा क्रोम, ये हमारे पास आ गया, हमने कर दिया, ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर आ। अच्छा, यहाँ पे हमने जाकर सिंपली हीलियम 10 लिखा, हमारे पास आ गया हीलियम 10, तो हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारे सामने हीलियम 10 आ गया। फिर हमने क्लिक कर दिया और इसको ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन क्लिक। अब ये हमारे पास सेक्शन में ऐड हो गया है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हीलियम 10 को पिन करेंगे। अभी आपने देखना है पिन करने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना है। और ये जैसे मैंने पिन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास ही छोटा सा बार हीलियम 10 का शो हो गया, हीलियम 10 का लोगो आप लोगों ने याद किया। आपको पता होगा इतने सी यहाँ पे चीज़ें, इनमें हीलियम 10 कौन सा आपको पता होना चाहिए, ये तीन डार्क ब्लू और तीन लाइट ब्लू, ये जो बॉक्सेस बना के आ रहे हैं ये लोगो है हीलियम 10। अब आपको पता चल गया कि खोलना है सेलर अकाउंट की हम अभी बात नहीं की, वो जब हम आईडी क्रिएशन में जाएंगे, जब हम क्रिएशन उन कामों में जाएंगे तो हम सीखेंगे सेलर सिस्टम कैसा होता है।
जो अमेजोन पे बंदा बेच रहा है उसका अकाउंट और होता है, जो खरीद रहा है उसका अकाउंट और होता है, ये खरीदने वाले का अकाउंट। इससे सबसे पहला काम आपने जाके डिलीवर टू, यहाँ पे अगर पाकिस्तान आ रहा हो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये लंदन का एड्रेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि अमेजोन के पास आपकी लोकेशन जा रही है, तो अमेजोन आपके लिए जहाँ पे आपके हिसाब से दे रहे कि आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेचना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमने, और क्योंकि ये हमने यूके खोला है, अमेजोन यूके खोला हुआ है जी, अमेजोन यूके से आपने बाय करना है, तो बहुत सेलर्स ने पाकिस्तान या और कंट्रीज बहुत सारे लिस्टिंग में ऑफ किए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट एशिया में या पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करते, वो कहते हैं कि सिर्फ यूके में डिलीवर करेंगे या यूरोप में, रीजन क्या उसके रीजन तो ये है कि डिलीवर नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि प्रोडक्ट कॉस्ट ज़्यादा इतनी शिपिंग आती है, जब एक प्रोडक्ट को पाकिस्तान आती है और वापस मिलती है, और ये बायर का राइट है कि वो प्रोडक्ट ना लेना चाहे, वो कहते मुझे नहीं चाहिए आप वापस लीजिए प्रोडक्ट। और इसलिए लोग क्या करते हैं, सेलर पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, या जिस जिस कंट्री में उन्हें लगता है कि जाके पाकिस्तान की कॉस्ट ज़्यादा आएगी वो वापस बेचते ही नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिखा और ये पोस्ट कोड आपने गूगल से ले लें, कोई भी पोस्ट कोड, मैं अगर अभी कोई पोस्ट कोड टाइप करने लगा हूँ, सर्च करें, मैं ये टाइप करता हूँ LS12 5QG, ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डिलीवर टू लीड्स लिखा है, अब मेरे पास क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, जब हम रिसर्च पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा तो हमारे सामने हो सकता है 50 प्रोडक्ट हो, लेकिन जब हम यहाँ पे यूके तक पोस्ट कोड डालेंगे तो फिर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट होंगे, और हमारा काम ये रिसर्च करना है, तो रिसर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन, तो हमने डिलीवर टू कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे पिलो लिखा, सही पिलो लिखा, हमारे सामने बहुत पिलोज आए, इससे भी बहुत अच्छे थे, इसमें भी लेआउट में ऐसी होंगी जो आपको फ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं, हम एक जो जो चीज़ आपके सामने आ रही है और आपको रेलिवेंट है वो आपसे, अगर कोई चीज़ हम नहीं कर रहे उसका सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, और जब आपसे रेलिवेंट नहीं है तो आपने उसको सामने पिलो खोला, हम ये लिस्टिंग पे सारी चीज़ों पर बाद में बात करेंगे, हमारे सामने ये देखें ये मल्टीपल पिलोज जो हैं ये लोग बेच रहे हैं मतलब, हमने क्या करना है, हमने दूसरे रिपोर्ट की मैंने आपसे बात की, हम ये गए हीलियम 10 पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने एक्सरे आ गया, एक्सरे लिखा रहे हैं, इस एक्सरे पे आप देख सकते हैं, अब वो हमारे सामने अभी डाटा फेच सेकंड लेगा, डाटा फेच करके हमें आएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, चले ये हमारे सामने आ गया। अच्छा जी, हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हीलियम 10 तो पिलो का सर्च वॉल्यूम ये 31,500 का मतलब है कितने लोग पिलो बेच रहे हैं, उनमें हर सेलर का एवरेज ये रेवेन्यू होगा, एवरेज कितने वो महीने की सेल करें, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल, टोटल रेवेन्यू पिलो कितना आता है, टोटल इतनी सेल होती है, एवरेज इतना होता है, एवरेज प्राइस है 30 pounds, यानी किसी ने 25 लगाई होगी, किसी ने 40 लगाई होगी, किसी ने 42, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 30 pounds। एवरेज BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक आपको अमेजोन देता है आपकी सेल वेलोसिटी के हिसाब से, कि आपकी कितनी सेल हो रही है, ये BSR डेली बेसिस पे चेंज होता है, अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं किसी दिन तो BSR आपका अच्छा हो जाता है, BSR का रूल ये है जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके किसी लिस्टिंग का BSR है 2,000 में, अगर आपका BSR किसी दिन हो जाता है 5,000 तो बहुत ही जबरदस्त, अगले दिन 4,000 हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है, अगर ये 9,000 तो 11,000 या 12,000 चला जाता है तो वो हम उसको अच्छे BSR काउंट करेंगे, हम कहेंगे BSR हमारा डाउन है, BSR डाउन होने का मतलब होता है कि नंबर्स में BSR ऊपर जा रहा होगा लेकिन बेसिकली वो डाउन हो रहा है, और BSR अच्छा कब हो रहा है, जब बिकने में वो कम हो रहा है, 1,000 BSR है तो बहुत अच्छा है। एवरेज रिव्यूज हमें हीलियम 10 ने बता दिए इस प्रोडक्ट 3,400 से देंगे एवरेज। अच्छा जी, अब हमारे सामने नीचे सारे लोग जो पिलोज बेचते हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक, ये हमारे सामने आ रहे हैं,
हम इसमें एक डॉग को देखेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसमें लिखा है ये चार लिखा हुआ, ये एक्सपी पाकिस्तान वाले एक्सपी नहीं है, एक्सपी का मतलब है स्पॉन्सर प्रोडक्ट। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ये आ रही है कि इन लोगों ने पैसे लगा के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और मुझे बताऊंगा भी आपको, मैं जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं फिर जो हम पैसे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर शो होनी चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो होगी तो आप पैसे लगाएं, इसलिए बता रहे हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट इसके नीचे ऑर्गेनिक। अच्छा, इसके आगे आगे एसिन, एसिन होता है सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ एसिन हम कहते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे कहें तो ये अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन हम उसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं आईडी कार्ड। ये किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड होगा और ये आपको उस सूरत में चाहिए होगी जब आप कोई रिसर्च करते हैं या जब आप अमेजोन के साथ कोई केस खोलते हैं। केसेस का बात करते हैं, केस खोलने से मरा दिया है कि अचानक आप देखते हैं कि किसी आप मेरे गायब हो जाते हैं, तो आप अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं, जी एसिन नंबर देंगे, जी मेरा एसिन नंबर है, एसिन से अमेजोन के रिकॉर्ड में पूरी प्रोडक्ट आपके आते हैं, ये मेरी प्रोडक्ट है और इसमें ये मसला आगे मसला हल करते हैं। मसले के हल के लिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग यूज करते हैं वो आप ये एसिन नंबर उठाते हैं। अच्छा, आगे ब्रांड का नाम आ गया, ये आगे उसकी प्राइस आ गई, आगे उसकी सेल्स आ गई, तो यूनिट सेल होते हैं कि सेल्स को ग्राफ को ग्राफ पे हम प्रॉपर गूगल में ग्राफ में आपको डिस्काउंट्स पर बात करते हैं। रेवेन्यू वो कह रहे थे इस कंपनी का रेवेन्यू है ग्राफ में डिस्काउंट्स, ये सारे 281 का मतलब है कि बहुत ज़बरदस्त स्थिति है साहब। इसलिए इसलिए नहीं आ रही कि ये एस पी एम प्रोडक्ट है फुलफिल बाय मर्चेंट, ये मतलब कुछ भेज रहे हैं अपने घर से वेयर हाउस इतने अमेजोन के वेयर हाउस का नहीं रहते ये और एस पी एम हम ऑलरेडी देखते हैं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ फुलफिल पे मर्चेंट वो है जो आप अपने घर से ही अपने वेयर हाउस से भेजते हैं। एस पी ए फुलफिल पे अमेजोन वो है कि आप स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस से, जब अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेजोन की फी चार्ज करते हैं आपको जितना छुट्टी चाहिए लोगों की आप जितने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका एक फिलर आ रहा है इसका मतलब है कि एक रेस्टोर पे दो लोग बेच रहे हैं, ऐसा होता है कि एक ही रेस्टोर पे मल्टीपल लोग भी बेच रहे होते हैं। अमेजोन पे टाइम बारियां लगा देते हैं, रात को दो घंटे इस फिलर से ले लो, दिन को दो घंटे इससे ले लो, ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे। बाय बॉक्स की पूरी एक साइंस है, ये हम बाय बॉक्स की वीडियो में सीखेंगे, इसलिए आप लोगों ने इसमें किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होगा। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा है, हमने विलियम टेन का इससे देखा है कि एक्सरे रिपोर्ट हम किस तरह से लेके आते हैं, तो आप लोगों ने एक तो टूल्स के बारे में आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये समझ नहीं आ रहे और उसके लेआउट चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आप उतनी देर के बाद ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि ये तो उसमें मसला आ गया जी, हमें वीडियो में और दिखाया गया था अभी और है। छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए कि हीलियम का एक्सरे रिपोर्ट देखें, हो सकता है कल को एक्सरे रिपोर्ट अभी टॉप पे आ रहा है तो फिर कहीं नीचे का बटन आ जाए, लेकिन चीज़ें यानी अच्छी ही रहती है, थोड़ा सा लेआउट होता रहता है इसका भी घबराने की बात। अस्सलाम वालेकुम, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हीलियम 10 पे बात की, लेकिन हीलियम 10 की एक्सरे रिपोर्ट पर हमने बात की। इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें सीखेंगे, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और स्क्रीन। इसके अलावा आप जो कुछ टूल्स में नजर आ रहे हैं उसके आपको नहीं गए क्योंकि वो आपसे रेलिवेंट नहीं है। एक आप लोगों का मेन सवाल यहाँ पे पैदा होगा कि टूल्स बाय कैसे करते हैं, आपने टूल्स इन वेबसाइट्स पे जाके बाय नहीं करें, सिर्फ ये अगर टूल्स आप बाय करने जाएंगे ये बहुत महंगे टूल्स हैं, $100, $200, $300 तक आप टूल्स का चार्ज होते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने काम सीखना है, आप लोगों ने काम करना है, घबराना नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं करना, आपको ये टूल्स बहुत ही कम प्राइस में डिफरेंट वर्जन में पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाते हैं, वो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोग कहीं भी आके ग्रुप में देख लें, पेज पे आ जाएं, कमेंट वगैरह कर लें, कहीं पे भी मुझसे पूछ लें, डिजी स्किल के टीम से पूछ लें, ये सब लोग आपको गाइड कर देंगे, ये आपको इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 2,000 से 3,000 रुपये में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, नॉट ओनली विलियम कीपा जंगल स्काउट मर्च फ्लड सारे टूल्स इस प्राइस में मिल जाते हैं, तो आपने ये यहाँ से लोकल वर्जन बाय करने हैं। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वैलेंट फूड आप उसमें बाय कर लें जाके, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, वही काम जब आपका 3,000 रुपये में हो रहा है आप क्यों 1,00,000 रुपये लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे 500 डॉलर, तो ये चीज़ें आप जहमत में पूछ सकते हैं। अभी हम निकल सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सरे हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, अब हमने यहाँ पे जाना है माई डैशबोर्ड। ये एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने पिछले वीडियो में सीख चुका है, यहाँ पे हमने भी क्लिक तैयार कर लिया उसको, अब ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया, इसका फिर ये मल्टीप्लाई चेक है, कोई मसले की बात नहीं, हमारा किसी चीज कोई लेना देना नहीं, हमारे काम की 3 या 4 चीजें हम सीधा उसी काम से। सबसे पहले हम आ जाते हैं
ये प्रोडक्ट सर्च के टैब के अंदर हमारे पास आ रहा है ब्लैक बॉक्स, यानी अमेज़न प्रोडक्ट यूज। हमने ब्लैक बॉक्स क्लिक कर दिया, अभी हमारे सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली आपको प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ये फाइनल नहीं होता, बिल्कुल जैसे आपको आइडियाज मिलते। अच्छा, और ये भी अपने माइंड में रखें कि टूल्स के जो रिजल्ट है वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और ये दुनिया में कहीं भी नहीं, ये एक सीधा सीधा रूल है। ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया, करीब करीब एक एस्टिमेट दे, आप इसकी 100% रिलाई नहीं करते। दो जगह स्कॉट बता रहे हैं वही है, जो विलियम का बता रहे हैं वही है। हाँ, ये करीब कुछ होता है, हम इसकी बेस काम इसमें मल्टीपल और भी ऐड होते हैं। अच्छा, अब हम इससे आइडिया क्या लेते हैं? जी, हम कहते हैं जी हमें बेबी प्रोडक्ट, ये हमने यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है, प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, ये आपको सामने आ रही है कि आपने बुक्स की कैटेगरी में जाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, क्लोथिंग है, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज है, बहुत सारी इसके अंदर आ रही है ना। हमने कर दिया जी, हम कहते हैं जी बेबी प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, बेबी प्रोडक्ट क्लिक कर दिया। अब ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हमें कितने मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000 वाली चाहिए जी। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके महीने की सेल कम से कम $10,000 सेल हो, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो हमने मिनिमम लगा दिया, मैक्सिमम हम छोड़ देते हैं, इतना भी हो जाए। अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि जी मैक्सिमम 50,000 तक होनी चाहिए। अच्छा, प्राइस आ गई, प्राइस हम कहते हैं जी मिनिमम $10 होनी चाहिए, मैक्सिमम हम कहते हैं जी $25 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम हम कहते हैं जी 150 होना चाहिए। मैं आपको डिटेल दूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँ। अच्छा, रिव्यू रेटिंग ये हम कहते हैं जी मिनिमम 4 और मैक्सिमम ठीक है यहाँ भी। अब मैं आपको बताता हूँ कितने, ये जो लास्ट पे आ रहे हैं साइज के जो आ रहे हैं हमारे पास, ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप पैकेजिंग किस तरह की पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट आप ढूंढना चाहते हैं, यानी आप इसको पैक ना करें। इसमें ये होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं ना अमेजोन वेयर हाउस में, किसी प्रोडक्ट जा रही है तो उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस होते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट है ये जैसा लिखा है, स्मॉल ओवर साइज है उसका और रेट होगा, लार्ज ओवर साइज और होगा, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल एनवेलप, स्टैंडर्ड एनवेलप, हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस। तो इसमें हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है तो जाहिर है जो भी बंदा वो प्रोडक्ट बेच रहा है सब वही चार्जेस पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं तो हम भी वही चार्जेस पे करेंगे। प्राइस आपको बता दी, मिनिमम 10 मैक्सिमम 25। रिव्यू काउंट है कि जो प्रोडक्ट के रिव्यूज आ रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें, ये अमेजोन पे गए हम नीचे देखें ये रिव्यूज आ रहे हैं 24,000 रिव्यूज, ये देख रहे हैं स्टार प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं 24,000-13,000 ये रिव्यूज आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि इतने रिव्यूज वाले को तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत पुराना बैठा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फेल है। तो हम वापस सीएम टू पे आए, हमने कहेंगे मैक्सिमम 150 रिव्यूज होने चाहिए, इतना ऊपर वाले को हम कम्प्लीट कर पाएंगे। ये चीज़ें हम मजीद डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। आप लोग एक दोस्त बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, रिव्यू रेटिंग फिर आ जाते हैं अमेजोन पे, और अमेजोन पे आके हम यहाँ पर एक पिलो लिख देते हैं। ये पिलो हमारे सामने आ गया जी, हमने ये साइलेंट नाइट पिलो खेल लिया, पिलो ओपन किया, ये हमारे सामने इसके ये रिव्यूज आए, ये रिव्यू आ रहे हैं। अब ये रिव्यू, जब हम ये रिव्यू के ऊपर जाएंगे ना, वो हमें बता रहे हैं इसकी रेटिंग मुझे 4.5 out of 5, 4.5 इसकी रिव्यू रेटिंग। ये नीचे आप देख रहे हैं 5 stars, 71% लोगों ने 5 star रिव्यू दिया है, 16% लोगों ने 4 star रिव्यू दिया है। तो रिव्यू काउंट हम कहते हैं कि 4 से ऊपर होना चाहिए, 4 से कम एवरेज की हम बात करें। इसको भी आप देखें 1 star भी मिले 2 मिले, लेकिन हम एवरेज की बात करें, एवरेज 4.5 आई थी, इसलिए हमने लिखा कि ये रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। उसके बाद हमने पोस्ट में क्लिक कर दिया, अगेन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये हमारे पास आ गए जी सारी प्रोडक्ट्स आ गई, डिफरेंट हमारे पास आ गए। अब ये डिफरेंट चैनल्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये एक बंदा है नेक्स्ट टू मी, ये बेच रहा है केला, बेच रहा है सैलर, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बंदा बेच रहा है। ये मजीद हम इसकी होल सेल वगैरह में ज़्यादा लोग, इसके प्राइस ये देखिए, हमने कहा था 10% होनी चाहिए, इसलिए हमने हमें दे दिया कि इसके 5 pounds की प्राइस है। मंथली सेल वो कहते हैं कि इसके 529 यूनिट्स, मंथली रेवेन्यू 11,000 है। DSR में आपको बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक 1690 है, रिव्यू 73 है और रिव्यू स्कोर 4.3 है। जो जो चीज़ें हमने ये देखा उसकी लगाई थी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इसने हमें ये दे दी है। अच्छा, हमने सेल लगाई थी मिनिमम, तो हमने लगाई नहीं, उसने हमें उसने 11,000 वाला भी दे दिया और 32,000 वाला भी दे दिया।
14,000 वाला भी है, 14,000 वाला भी, तो जहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा इस बंदे की व्यूज है, 4.1 रेटिंग है, थोड़ा टाइम हुआ है, हम भी अगर इस प्रोडक्ट में आए तो हम इसको लॉन्च, तो जहाँ से अभी हम ये रफ आइडिया ले रहे हैं, मजीद डिटेल हम इसमें प्रोडक्ट में दीजिए। तो ब्लैक बॉक्स ने हमें आइडियाज दे दिए प्रोडक्ट्स के, जो भी आपने यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर। सेरिब्रो, सेरिब्रो क्या करता है जी, आपको सेरिब्रो पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने खुल जाएगा। सेरिब्रो आपको आपके कंपेटिटर को, यानी अगर आपने बिलो लॉन्च करना है तो आप आके कोई बदला चूज करते हैं कि मैंने इसको कम्पीट किया, ये प्रोडक्ट सेटिंग में पूरा सेटिंग। तो हर प्रोडक्ट का ना, एक मैंने आपको बताया था अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो ये हमारे पास नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे ये नहीं ऊपर भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपने ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टाइम में आके कैसे उठाया इस बंदे का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हीलियम 10 में जाके यहाँ पे पहले हमने मार्केट सेलेक्ट की कि हम अमेजोन यूके खुला हुआ है ना, ये देखो ये डॉट को डॉट, तो सेरिब्रो में भी जाके हम यहाँ पे पहले यूके ही सेलेक्ट किया, ये देखें डॉट को डॉट, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आए। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट तो हमने इसको तो गेट कीवर्ड्स में, अब ये डाटा ये अगेन कुछ सेकंड्स लेगा हमारे सामने के साथ। चलें डाटा हमारे सामने आ गया, डाटा हमारे सामने क्या आया है वो ये बता रहा है कि ये कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड ये होते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है उसके लिए आप जो लिखते हैं वो कीवर्ड है। सिंपल से एग्जांपल है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा नाम हाफिज अहमद है, आप कहते हैं हमने हाफिज अहमद को ढूंढ लिया, आप सोशल मीडिया पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं तो ये कीवर्ड है जो आपने लिखा हाफिज अहमद, लेकिन अब आपने हाफिज अहमद लिखा बहुत सारे हाफिज अहमद आते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड लिखेंगे बहुत सारे आएंगे, फिर हमें पता होगा कि हमने किस बात से हमारा क्या काम है, हमने किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा देखा है डिटेल में। तो कीवर्ड सिंपल किसी भी बंदे को या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आप जो लिख लिखते हैं कीवर्ड, ये कीवर्ड आ गया जी पिलो टू पैक जो इसमें आके कि सेरिब्रो आई टू स्कोर को आप इग्नोर जी हीलियम टैंक की तरफ से है, ये वैसे जितना ऊपर हो ये उतना अच्छा होता है, BSR पे होता है उतना कम हो उतना अच्छा होता है, ये सेरिब्रो का आई टू स्कोर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। ये सर्च वॉल्यूम आ गया जी 33,807 लोग ढूंढते हैं पिलो टू पैक, सर्च वॉल्यूम सिंपल वर्ड कितने लोग आके लिखते हैं, जैसे मैंने हाफिज अहमद लिखा है तो हाफिज अहमद को कितने लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे या गूगल पे आके, अगर 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे हाफिज अहमद स्टोरियम कहता हूँ, इसी तरह पिलोस टू पैक का सर्च वॉल्यूम 33,000 है। हम इसके आगे ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ट्रेंडिंग पे हम बाद में बात करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, इस पर वो कह रहे हैं कि 304 लोग चला के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश, 304 लोगों ने ऐड किया, 533 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी इस कीवर्ड से 533 कंपीटिटर्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट बिके। CPR, ये CPR 8-day giveaways होता है, इसको अब हम इग्नोर करेंगे, अब ये काम नहीं आता, ये होता था कि आपने 8 दिन में कितने आइटम फ्री में देनी है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारे काम की नहीं है, तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है हम उसको छोड़ देंगे। अब ये Amazon के इसके ऊपर रैंक आ रहा है हमारे पास कि 845 इसकी रैंक है और स्पॉन्सर रैंक में ये 14 नंबर पर, ऑर्गेनिक में ये 15 नंबर पर है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे कि हमने कीवर्ड लगाया तो उसने हमें उसके सारे रेलिवेंट कीवर्ड को दे, क्या रेलिवेंट कीवर्ड क्या होते हैं, रेलिवेंट कीवर्ड ये होते हैं कि कोई बंदा आके लिखता है हाफिज अहमद, कोई लिखता है हाफिज अहमद अमेजोन, कोई लिखता है हाफिज अहमद कॉन्टैक्ट नंबर, अब बहुत सारे हाफिज अहमद को रहे हैं लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है, तो जो लिखने का अंदाज डिफरेंट है ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के या एक ही बंदे के मल्टीपल कीवर्ड, इसको हम कीवर्ड सिंपल अल्फाज में जो आप किसी को ढूंढने के लिए। अच्छा अब सेरिब्रो के बाद एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कीवर्ड रिसर्च के लिए मैग्नेट, मैग्नेट पे हमने क्लिक किया। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेट हमें बेसिकली कीवर्ड्स ढूंढ के देता है, जिस तरह हम यहाँ पे टाइप करते हैं, मैं तो पीछे आइडिया भी आ रहा है, हमने लिख दिया पिलोस, हम कहते हैं कि न्यू सर्च, वो कह रहे जी आपने पहले भी ढूंढा था, मैंने क्लिक कर दिया न्यू सर्च, मुझे नया डाटा लिखा। अच्छा देखिए मैंने पिलोस लिखा था, उसने मुझे पिलोस का डाटा दे दिया, पिलोस का सर्च वॉल्यूम 7,445 CPR 8 days, हर बंदा पिलो नहीं लिखता आगे,
कोई बंदा लिखता है नेक पिलो मेमोरी फॉर्म, अच्छा नेक पिलो मेमोरी फॉर्म या नेक मेमोरी फॉर्म पिलो भी कोई लिख सकता है, पिलो नेक ऑर्थोपेडिक आ गया। अब ये किसी ने लिखा जिलो पिलो ऑर्थोपेडिक नेक पिलो, ऊपर आ गया नेक पिलो ऑर्थोपेडिक, किसी ने कोई लफ्ज़ पहले लिख दिया किसी ने बाद में लिख दिया। ये अब हमें बता रहे हैं कि किस लफ्ज़ का किस वर्ड का कितना असर हो गया, कितने लोग हैं जो नेक पिलो मेमोरी फॉर्म आते हैं वो 289 लोग ये लिखते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे हाई टू लोग सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने रेलिवेंट कीवर्ड्स तो आ गए, सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं जी प्रेगनेंसी पिलो, आ गए कितने लोग लिखते हैं 53,000 लोग आके ढूंढते हैं प्रेगनेंसी। अच्छा पिलोस टू पैक ढूंढते हैं 3,000 लोग आके, बैक सपोर्ट पिलो ढूंढते हैं 25,000 लोग आके। तो ये मैग्नेट बेसिकली हमें आइडिया दे देते हैं कि एक ही कीवर्ड से आगे कितने रेलिवेंट कीवर्ड। सर मैंने आपको सारे एग्जांपल दी, जब आप गूगल पे जाते हैं हाफ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वो दिखाना शुरू कर देता है कि हाफ एग्जाम्पल अमेजोन पे मिलते हैं, हाफ एग्जाम्पल फेसबुक पे मिलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं इसको हम कहते हैं कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। हम लोगों ने सीख लिया मैग्नेट भी सीख लिया, हम लोगों ने सर्च वॉल्यूम भी सीख लिया और हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स। अब ये चीज़ें आपके माइंड में चार दिमाग में ख्याल हैं, आप लोगों ने टोटल दो वीडियोज में इस वीडियो में अभी की वीडियो में हम जा रहे हैं कि जंगल स्काउट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। अगरचे अब जंगल स्काउट की किसी जरूरत नहीं रही, सिर्फ एक या दो चीज़ों में हमें ये फायदेमंद होता है, लेकिन बाकी हमारे सारे काम हीलियम गैस से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप सब लोगों ने माइंड में रख लेनी है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया या आप ये कोर्स देख रहे हैं और आपको दरमियान में कोई कहते हैं जी एक मैनी चैट की एक्सपर्ट आपने सीखी है, वो आप परेशान हो जाएगी मैनी चैट तो हमें नहीं सिखाई गई। मैं आपको 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपने काम किया, फजूल चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो चीज़ें रेलिवेंट ही नहीं वो मैं आपको नहीं सिखा रहा, जो आपकी ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें माजी के बन चुकी वो आपको नहीं सीखी। तो इसलिए अगर आप कोई भी लफ्ज़ सुनते हैं कुछ सुनते हैं कि हमने ये नहीं सीखा, तो ना समझ आए कि आप उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने नहीं सीखा, या वो आपके काम का नहीं है इसलिए आपने सीखे। बताने को मैं आपको यहाँ पे 500 टॉपिक्स बता दूँ लेकिन आपके काम की इज्जत हो तो वो जो 400 आप सीखेंगे वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपके काम आएगी। जंगल स्काउट भी अगर कि इतना अभी ज़रूरी नहीं रहा, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, आप अपने दोस्तों में बैठेंगे या आप में बैठेंगे जो अमेजोन में काम कराने के लिए वो जंगल स्काउट को पूछेंगे और वो बाद में आप चूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं। आपने इस बारे में परेशान नहीं होना, आपने कोर्स कम्प्लीट करने के बाद जो सीखा होगा वो आपके काम का होगा, जो मैंने आपको नहीं बताया वो आपके काम का नहीं है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं जंगल स्काउट क्या है और कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे कि जंगल स्काउट क्या है और कैसे काम। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं उसके बाद उसको वजीर। एग्जाम्पल बड़ी आसान सी है कि हम जंगल स्काउट यूज क्यों करेंगे। अच्छा पहले तो आप लोग ये माइंड में रख लें कि अब के दौर से मुराद ये है कि मार्च 2022 के बाद जंगल स्काउट का तकरीबन काम खत्म हो चुका है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको एक दो चीज़ें बता देते हैं, लेकिन अब ये सारे काम हमारे हीलियम टेन कर देते हैं, जो कि बाकी सारे काम भी करते हैं और जो दो तीन काम जंगल स्काउट करता था वो भी हीलियम कर देते हैं। तो हम इसी जगह पर सारे काम कर लेंगे बजाय इससे कि अब हम सारे टूल्स यूज करते रहें। तो ये लोग आपको बस पता होना चाहिए, आपको नॉलेज के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली जंगल स्काउट पे आपका काम तकरीबन ना होने के लिए मैं आपको बता दूंगा कौन सा एक स्टेप है और वो भी जंगल स्काउट के बगैर भी आपका काम नहीं किया। इससे पहले ये आ जाएगी कि टूल्स हम क्यों यूज करते हैं और कौन सा ऐसा काम है जो जंगल स्काउट पहले करा था आपने। सादा सा एग्जाम्पल है, आपने एक अब आप मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनमें से एक बंदा आपको बताता है कि इसका रेंट होगा 50,000, दूसरा बंदा आपको बताता है कि आपने दरवाजा शीशे का लगाना है, तीसरा बंदा आपको बताता है कि आपने इसके अंदर थोड़ी जगह पे सोफे भी रखने होंगे लोगों के साथ, चौथा बंदा आपको आके बताता है कि जी आपने लाइट इस तरह खींचा, चार ये टूल्स है। इसी तरह जब आप अमेजोन पे काम करते हो टूल्स यूज होते हैं जो आपको बताते हैं आपको कैसे करके चाहिए। अब आपको चार बंदे काम बता रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, वो कहती है जी हमने एक ही बंदे को सब कुछ सिखा दिया, वो एक ही बंदा आपको बता देता है कि लाइटें कैसे लगानी है, दरवाजा कैसा होगा, सोफे कहाँ पे रखने हैं, दरवाजा कैसे लगाना है, शीशे का प्लास्टिक का, ये एक ही बंदा बता रहा है। पीछे ही एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रही है, अब वो हीलियम 10 एक ही बंदा जो हमें सारा कुछ बताना है, तो हम अब मुख्य बंदों के पास नहीं जाए, हम एक ही बंदे से पूछते हैं कि भाई आप हमें बता दीजिए कि हमने गूगल ओपन कर लिया, यहाँ पे हम चले गए जी अमेजोन यूके पे हम चले गए और जी अमेजोन यूके पे हमने सर्च कर दिया,
अब उसके बाद ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने मर्जी के प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बीस किलो। अच्छा, अब हमने किसी भी 20 किलो को चुन लिया, ये चलें जी इसमें कर लिया 20 किलो को। अब ये हमारे पास जंगल स्काउट आ रही है, ये जे एस के निशान आ रही है। अच्छा, अब आपने इसमें परेशानी होना, ये कैसे आएगा? ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे आएगा हीलियम 10 वाली वीडियो में, कि आपने एक्सटेंशन कैसे ऐड किया। तो हीलियम 10 वाली वीडियो आपने याद रखनी है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया हीलियम 10 का, उस वीडियो में आपको सच्ची लगाना पता चल जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आप लोग ये टूल्स लेंगे, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ये टूल्स ओरिजिनली बाय नहीं करना, ये बहुत बहुत सस्ते में पाकिस्तान में मिल जाते हैं, तो आपने उसके लिए आपको ये लोग हेल्प कर देंगे, डिजिटल वाले भी, और मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो जब टूल्स बाय करने हैं, जो भी कंपनी आपको टूल देगी ना आपके लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देगी कि किस तरीके से एक्सटेंशन लगानी है और इसको लॉग इन इस्तेमाल करना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने इस पर जी जंगल स्काउट पे क्लिक किया, ये भी सर्चिंग में है, ये हमें क्या दिखा रहा है जी, ये देखें जी, एवरेज मंथली सेल कितनी है, एवरेज सेल रैंक क्या है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी कटिंग में हर चीज होगी है। अभी क्योंकि जंगल स्काउट हम तकरीबन यूज़ ही नहीं करते, मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर अभी नहीं आ रहा, चले जी आगे, हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्कोर आ गया 3। वो कह रहे जी इस प्रोडक्ट की बहुत हाई डिमांड है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट पे हम जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट हम फाइनल करने जाएंगे, अगर हम जंगल स्कोर से पूछ लेते हैं तो उसमें 4 से ऊपर पर होना चाहिए, 1, 2, या 3 अगर स्कोर आ रहा होगा तो हम इससे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उस बेस पर तो प्रोडक्ट हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्या होता है और ये सारी चीजें जो ये बता रहा है, प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, ये सब कुछ आपको हीलियम 10 बताता है, तो हम इसको हीलियम 10 यूज करेंगे। हीलियम 10 का डाटा जो एक्यूरेसी है वो जंगल स्काउट है, और जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी कि अगर हमें एक ही बंदा सारी चीजें बता रहे तो हम 4 बच्चे बंदों के पास क्यों जाए, तो जंगल स्काउट का हमें मकसद पता चल गया। ये एक चीज उसकी थोड़ी डिफरेंट है, बाकी उसकी अपॉर्चुनिटी जो कि 1 से 3 तक होगा तो हम इग्नोर करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बेस पे इग्नोर नहीं करेंगे, अगर बाकी चीज़ें ठीक होंगे तो हम चले जाएंगे। और 4 से 10 तक होगा, जितना ओपन होगा 7, 8, 9, 10 उतना ही। चले जी, मैंने आपको जंगल स्कोर दिखा दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी स्कोर को आपने देखना है, और वो भी इतना मैटर, बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, मैटर क्या करती है ये हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, कि हमने क्या बेचना है अमेज़न। तो अगली वीडियोस में जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से कौन से टूल्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को हंट करना है, कि वो अमेज़न पर क्या बेच, ये पूरा एक आर्ट है कि अमेज़न पर क्या बेच। सिर्फ ये अकेला आर्ट ही आपको अच्छा खासा स्क्रीन बना देता है, सिर्फ एक ये एक आर्ट कि आप लोगों को बताते रहे प्रोडक्ट हंटिंग करके आप क्या बेचें, पूरी उसका शीट बना के दे दें, मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा सिखाऊंगा अगली वीडियो पे, तो आप लोगों को बताएंगे जी $500 आप चार्ज करते हैं प्लस वगैरह पे सिर्फ प्रोडक्ट बताने का क्या मतलब है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट हंटिंग को आप बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है और सीख के इस पर काम समझ। हम लोगों ने पिछली वीडियोज में हीलियम 10 सीखा जी, कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम हीलियम 10 सीख लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें गूगल 10 का भी होता है। गूगल 10 हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को बताने में, क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकने वाली है या किसी खास सीजन में बिकने वाली है, इस चीज़ को हमें कैसे पता चलेगा, ये हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ गूगल ट्रेंड क्या होता है और गूगल ट्रेंड किस काम करता है और हमारी किस चीज़ है। अच्छा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया गूगल ट्रेंड, तो हम गूगल पे आए और हमने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड। सबसे पहले आप क्लिक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे, और जब भी आप गूगल ट्रेंड पे आएंगे आपने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट के ट्रेंड देखना है। ये यहाँ पाकिस्तान आ रहा था, हम कहते हैं जी हमें जी यूके की शॉप देखनी है, क्या हम अमेजोन यूके पे बेचने जा रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेरिका में बेचने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएस से सेलेक्ट करेंगे, अगर आप दुबई में बेचने जा रहे हैं और आप दुबई का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करेंगे, हमने कर दिया जी यूके। अच्छा, गूगल ट्रेंड है क्या? गूगल ट्रेंड सिंपल वर्ड ये है कि आपने देखना है कौन से प्रोडक्ट किस एरिया में किस सीजन में चलती है और किस सीजन में नहीं चलती है। जब भी आप किसी से मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगी या सिर्फ गर्मी में चलेगी, कहीं सीजन तो नहीं है, सिर्फ सर्दियों में तो नहीं बिकने वाली,
या कहीं ये सिर्फ क्रिसमस के समय बिकेगी, सिर्फ न्यू ईयर के समय बिकेगी। ये चीज़ें आप चेक करने के लिए जाते हैं गूगल ट्रेंड्स को। अभी हम गूगल ट्रेंड्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज़ को। हमने यहाँ पे मार्केट मैंने आपको बताया, आप सिर्फ पहले यूके आपने यहाँ पे आकर लिखा हमें बता दिया ये गूगल ट्रेंड दे दिया। अच्छा मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल आसान होता है, मैं आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं लेके जाऊंगा। जो आपको जरूरत नहीं है ना वो चीज़ आपको बिना वजह बताने की या चीज़ें बताने की जो प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आनी, और मैं वैसे आपको याद करवा दूँ आप लोग मेरे को क्या बात है जी क्या ज़बरदस्त लेक्चर दिया है, लेकिन आपको सब लोग जरिए तो उसका फ़ायदा नहीं। आप लोगों को जो बात आपके रेलिवेंट है वो बताओ, बाकी क्या हो रहा है आप लोग नोट। ये 25 आपको दिखा रहे हैं, ये 25 लिखा। अगर तो कोई प्रोडक्ट 25 से ऊपर होगा यानी 50, 75, 100, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। 25 से नीचे जो होगी वो फिर हम देखेंगे, अच्छा ये कहीं बिल्कुल डाउन रही कहीं पर ऊपर कहीं, ये सीजनल प्रोडक्ट। तो अब उस प्रोडक्ट की जो हमने बात कर ली ये सीजनल नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पर 25 की लाइन से नीचे नहीं आ रहा, ये इसका जो सारा ग्राफ है ये देखेंगे ऊपर आ रहा। अच्छा अब अगर हमने, और ये गूगल ट्रेंड हमने जब चेक करना होता है तो हम पिछले 5 साल के चलते आपके पास सारी ऑप्शन आ रही है, ये लिखा आ रहा है पास्ट 12 मंथ, आप इसको क्लिक करें, आप इसको पास्ट 5 ईयर्स चेक कर लें, आप 90 डेज चेक कर लें, आप 30 डेज चेक कर लें, आप लास्ट 10-16 ईयर्स चेक कर लें। हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का हमें नेट लिखा। चले जी हमें इसने बता दिया गूगल ट्रेंड ने कि पिछले 5 सालों में पिलो जो है ये कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये 25 की लाइन से ऊपर है। सादा अल्फाज में आपने ये याद रखा। अच्छा अब आप कहें जी सीजनल प्रोडक्ट होती है, ये प्रोडक्ट जो सीजनल हो वो हमें कैसे पता चलेगी? चलेंगे हम चेक कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी क्रिसमस ट्री, हम लोग यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री हमारे पास आ गया। ये देखो 25 से नीचे इतनी ये सारी लाइन आ गई, पता चल गया कि ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रिसमस के लिए है। ये देखें ये प्रोडक्ट टॉप पे कब आई है, ये मैं इसको टॉप पे जाकर चेक कर रहा हूँ, ये यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ से इसको लेके आया, ये बता रहे दिसंबर 2017 में टॉप पे गई है, बहुत अच्छी रही है। फिर कब आई है जी, फिर ये टॉप पे आई है दिसंबर 2018 में 2 से 8 वीक। अच्छा फिर आगे आके यहाँ पे देखा मैंने 2019 में भी ये दिसंबर के पहले वीक में टॉप पे रही है, फिर 2020 में हमने आके देखा तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास ये देखें 22 से 28 नवंबर 2020 में, यानी नवंबर दिसंबर रेंज में ये प्रोडक्ट ये टॉप पे आ रही है। अदरवाइज ये देखें 25 के करीब करीब नहीं, बिल्कुल 0 लाइन पे आई है, ये नवंबर दिसंबर में उठती है बिकती है और फिर नीचे वापस आती है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब सीजनल प्रोडक्ट में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, हाँ लेकिन आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते होंगे, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आए तो आपको आगे कह सकते हैं कि मुझे सीजनल प्रोडक्ट ढूंढ दे, मैंने बस 3 महीने बेचे, तो आप उसको पूछेंगे अच्छा बताइए कोई भी सीजनल में आपको ढूंढ दूँ या स्पेसिफिक सीजन आप, हो सकता है वो आपको कहे जी मेरा सीजन है क्रिसमस और न्यू ईयर, आप उसे कहते हैं जी मैं आपको क्रिसमस को ढूंढ दूँ, वो कहते हैं नहीं बेटा मुझे मुझे स्पेसिफिक क्रिसमस प्रिंटिंग में, फिर आप जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो सीजनल हो जो क्रिसमस से ज़्यादा मिलते हैं। अब क्रिसमस ट्री है ज़ाहिर है वो क्रिसमस बिकेगा, वो सीजनल प्रोडक्ट है वो उसी सीजन में बिकेगा। अब मार्च में अप्रैल में जून जुलाई में तो क्रिसमस ट्री कोई नहीं खरीदेगा, क्रिसमस ट्री लोग कम खरीदेंगे जब सीजन चल रहे होंगे। इसी तरह जैकेट्स हैं या कुछ ऐसी कोई प्रोडक्ट हैं जो विंटर में यूज़ होती हैं, उसे लोग विंटर में खरीदेंगे ना, समर में तो बहुत कम लोग वो आइटम खरीदेंगे, सर्दी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, सर्दी में हर एक इंसान की ज़रूरत है तो वो खरीदने में ही ज़्यादा। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब काम करते होंगे तो हम इसके लिए आते हैं उसका गूगल टेक्स्ट स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लिख देते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक नई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, टावल लिख लीजिए, हमने टावल लिखा, टावल लिख के पास्ट 5 ईयर्स किया तो देखें पहली जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो भी सीजनल नहीं थी, और ये जो दिखा रहा हूँ ये भी सीजनल नहीं थी, जो दरम्यान में दिखाई आपको ये देखें 3 प्रोडक्ट है ये पूरा साल, ये हर महीनों में देख रहे हैं आप, ये हर महीनों में तकरीबन अच्छी जाती है आपके सामने, ये थोड़ा तेज़ आ रहे हैं, देखिए फरवरी भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है, सितंबर भी, अगस्त में जो ऊपर चले जाते हैं आप, ये नवंबर दिसंबर में भी बिकती है, ये मार्च में बिक रही है, ये देखिए जून जुलाई अगस्त भी बिक रही है, ये सितंबर अक्टूबर, तो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ट्रेंड बहुत आसान है, सिर्फ गूगल ट्रेंड पर जाएंगे वहाँ पर जाकर मार्केट आप कर लिए अपनी, मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिखे उसने आपको इसका डाटा दिया, आप चाहें तो इस पर
ट्रेन टिकट डाटा भी आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं जी एक घंटे के हिसाब से, आप देखना चाह रहे हैं जी लास्ट 7 डेज का क्या डाटा, लेकिन हम नॉर्मली 5 ईयर से, सब 5 ईयर का क्यों देखते हैं क्वेश्चन पैदा होता है, 5 ईयर के इसलिए देखते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, आप उसको मटीरियल तो आपने उसको ये बताना है कि हम एक बोर्ड चेक करेंगे गूगल पे ताकि हमें पता चले, ऐसा तो नहीं चाहते कोई प्रोडक्ट 2016 या 17 में तो बहुत अच्छी बिकते रहे लेकिन उसके बाद 19 और 20 में आके बिल्कुल खत्म होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको उसी देता हूँ कोविड की, कोविड आप लोगों को पता है 2019 के एंड पे स्टार्ट में कोविड आ गया। अब कोविड आने के बाद आउटडोर की जो प्रोडक्ट वो बिकना कम हो गई बल्कि खत्म ही हो गई, लॉकडाउन लग गए, सब लोग घरों में बैठे, जब हम लोग घरों में बैठेंगे आउटडोर के आइटम्स को ज़्यादा, फुटबॉल है, कैंपिंग है, अब इससे बाहर नहीं निकलने, फुटबॉल नहीं खेलने, कैंपिंग नहीं करने, तो कहाँ से बिकेंगे, तो वो बिकने बंद हो। ये हमें गूगल ट्रेंड बताया, चले ये तो हमें आइडिया है ना, कोविड का हमें आइडिया है, हमें आउटडोर प्रोडक्ट का आइडिया है, लेकिन कितने ही ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसका हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, पूरा साल बिकने वाली है या किसी 1 या 2 महीने बिकने वाली है। तो आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कभी मिस नहीं किया, ये नहीं सोचा कि छोटे सी चीज़ है मुझे हीलियम 10 है सब कुछ सिखा दी है, टेक्निकली चीज़ें मुझे सारी आ गई है तो मैं ये क्यों सीखूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपके लास्ट में देखिए 5 से 10 मिनट का काम, लेकिन आपके ये 5 से 10 मिनट आपके क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें उसके नुकसान होने से, और जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे कि मैंने ये काम किया, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक किया, उसको स्क्रीन शॉट भेजेंगे, हर काम के अपने क्लाइंट को स्क्रीन शॉट भेजेंगे, वो खुश होगा, वो आपको और क्लाइंट लेंगे, आपका काम बनेगा, आप ज़्यादा। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया गूगल ट्रेंड, आई एम श्योर आई होप कि आपको समझ आ गई, बहुत आसान है, गूगल पे जाके हमने गूगल ट्रेंड लिखा, मार्केट सेलेक्ट की, कोई भी कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिख के हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस सीजन में ज़्यादा बिकने वाली थी, किस सीजन में ज़्यादा नहीं बिकती, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको सीजन में अभी बता चुका हूँ कि किसको आपने कभी। अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में सीखा था हीलियम 10, जंगल स्काउट, अभी हम इस वीडियो में सीखेंगे कीपा के बारे में, कीपा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ये कीपा का टूल क्यों यूज़ करते हैं। ये हमारा मेनली यूज़ होता है होलसेल या ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में, प्राइवेट लेबल में हम लोग कीपा का नॉर्मली यूज़ नहीं करते, प्राइवेट लेबल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है हीलियम 10 में, और ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है कीपा। ये हमें सारे कंपेटिटर के एनालिसिस निकाल के देता है, बाय बॉक्स कितने लोगों के पास था, किस टाइम बाय बॉक्स क्या डिवाइड हुआ या एक ही बंदे के पास रहा, ये बाय बॉक्स क्या होता है ये हम इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। हम ये सारा कीपा में देखते हैं, कीपा हमें बताता है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऐसे मिलती है जिसमें बाय बॉक्स रोटेट ही नहीं हो रहा, एक ही बंदा बेची जा रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अगर 30 डेज या 90 डेज का हमने डाटा उठा के देखा और इस प्रोडक्ट में एक ही बंदा बेच रहा है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में जाने से परहेज। दूसरी चीज़, हमें ये कीपा वेरिएशन का बताता है, अगर एक प्रोडक्ट में ज़्यादा वेरिएशन है, 4 या 5 वेरिएशन, तो हमें ये बताता है कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिकती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चों का दूध है, वो 100 ml की पैकिंग में भी है, 200 और 300 और 400 में भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है, कौन सा बॉक्स ज़्यादा बिक रहा है, ये हमें कीपा बताएगा कि ये वाली वेरिएशन आपकी ज़्यादा बिकती है। अगर हमारा बजट कम और हम एक ही वेरिएशन में जाना चाहते हैं, तो हम उस वेरिएशन में जाएंगे जिसकी सेल ज़्यादा हो, हम उस वेरिएशन में नहीं जाएंगे जिसकी सेल कम हो। फिर ये हमें रैंक बताता है, बी एस आर हमने सीखा हीलियम 10 में, ये हमें रैंक बताता है कि किस प्रोडक्ट का BSR कहाँ से कहाँ तक रहा है। US मार्केट में होलसेल में जब हम जाते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि 80,000 से कम BSR होना चाहिए। अब ये 80,000 से कम का मतलब ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट में 70 या 80,000 पे जाएंगे, आइडियली 20,000 से कम, और लास्ट लिमिट हमारी 80,000 है कि 80,000 से कम होनी चाहिए, और UK की मार्केट में हमारा BSR 50,000 से कम होना चाहिए होलसेल में हम जिस प्रोडक्ट में जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की BSR ही अच्छा है, यानी बेस्ट सेलर रैंक ही अच्छा है, उस प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट में होलसेल करके क्या करेंगे कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें, परमिशन लें, फिर प्रोडक्ट बाय करें, बाय करके अमेज़न के पास रखें, और अगर उससे डेली के ऑर्डर ही 2-3 आते हैं और 3-4 लोग ही बेच रहे हैं, तो किस किस पास मैमो आएगा और कौन कौन कितना कितना बेचेगा। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। BSR भी हम लोग सीख चुके हैं, बेस्ट सेलर रैंक कहाँ से चेक होता है ये भी हमें पता है, एसिन क्या होता है, एसिन हमें चाहिए क्यों,
क्रिकेट हमें चाहिए होता है, बाकी अथलीट जब हम देखते हैं कि कोई एक वेरिएशन अच्छा दिख रही है, हम जाके उस वेरिएशन का एसेंस देखते हैं, फिर हम उस एसेंस के अगेंस्ट जाके अपने लिस्टिंग करते हैं, उसको मीटू करते हैं। जब हम लिस्टिंग क्रिएशन पे जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइवेट लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है, और अगर आप कोई प्रोडक्ट होलसेल कर रहे हैं तो उसको आप मीटू कर सकते हैं। मीटू की टर्म बहुत आसान चीज़ है, जब आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा हमने अपने रिसर्च के दौरान कौन कौन सा टैब के अंदर देखना है, यूज करना है, हम मेल करते हैं, और फिर जब हम बाकायदा होलसेल के ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे हम उसे चीज़ें देखते हैं। अभी हमारा इस इंप्लीमेंटेशन टॉपिक है कीपा के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और इसके एक ओवरव्यू हम देते हैं। आइए चलिए, जब हम लोग पुजीशन पे आ चुके हैं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन सी सेंसर की भूमिका क्या है, हमने ये विलियम्स की एड देखा था, मैंने आपको बता दिया कि विलियम सेंसर या कोई भी सेंसर था वो एड होती है। अब वो क्योंकि हम रिसेंटली देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड कर ली है, ये मेरे सामने कीपा के आ गया। अच्छा, हीलियम 10 पे क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट के ऊपर हमने हीलियम 10 पे गए और जाके हीलियम 10 पे हमने उससे रन किया या जो भी हमें काम करना था वो हमने किया। कीपा में ये होता है कि बस आप लोग एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो ये खुद से आपके पास यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये मेरे सामने सारा ये कीपा के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अलग से जाके हमने इसका देखा है यहाँ पे बाय बॉक्स जाके देखा कि बाय बॉक्स में प्राइस की हमने हिस्ट्री को किया कि हिस्ट्री 25 से 30 डॉलर के बीच में ऊपर गई है, ये हमारे पास में ऊपर भी आ गई है, ये ऊपर भी गई है प्राइस, लेकिन बहुत कम प्राइस की गई है, ज़्यादा इसकी प्राइस जो है वो 25-30 डॉलर के बीच में रही है, नीचे भी आई है, ये जहाँ पे हमारे पास 20 डॉलर से कम भी आई है, लेकिन जब भी हमने इसको देखना है तो हमने ये देखना है कि ओवरऑल उसका क्या चल रहा है, हमने उसको ओवरऑल देखना है, बाय बॉक्स में हमने ओवरऑल देखना है, कोई भी चीज़ है वो हमने ओवरऑल देखनी है, अगर एक या दो महीने प्राइस के ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, कोई सीजन जितना सीजन आ गया, लोगों ने प्राइस ऊपर करके बेच दी, क्योंकि सीजन था बिक्री की, बेच कभी डेड सीजन आ गया 15-20 दिन एक महीना डेड आ गया तो लोगों ने कम प्राइस के साथ स्टॉक निकाल दिया, तो हमने जो देखना है वो ओवरऑल हमने उसको देखा। एक और हमने इसमें देखनी है सेल्स रैंक, अभी जो ऊपर न्यू आ रहा है, लिस्ट प्राइस आ रहा है, एफ पी एम आ रहा है, ये तो बहुत सिंपल है, कितने लोग कितने एफ पी एम कर रहे हैं, कितने एफ पी ए कर रहे हैं, न्यू का मतलब ये है कि प्रोडक्ट न्यू बेची जा रही है या यूज में, जिस तरह क्रिएशन में हम लोग जाते हैं, जब हम यूज कर रहा हूँ तो हमारे पास ऑप्शन आएगी वहाँ पे कि आपके पास नई मैच है, यूज वेरी गुड है या यूज एक्सीलेंट है, जो भी उसकी कैटेगरी है वो वहाँ पे चेक करते हैं, तो हमने इसका सेल्स रैंक देखा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स रैंक हमारा 80,000 से कम होना चाहिए यूएस से, अब क्योंकि ये हमने amazon.com खोला हुआ है, ये यूएस की प्रोडक्ट है, अभी जब मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओवरऑल सारे था, जब मैं किसी टैब के ऊपर आके क्लिक कर देता हूँ तो फिर वो उसका रैंक दिखा रहा है। अब क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक डाटा देखना है तो मैं कंपनी मूव नहीं कर रहा, अब हमारे सामने ये जो लाइंस आ रही हैं ऊपर, इन लाइंस को आप देखें, जो लाइंस आ रही हैं इन लाइंस को आप देखें कि ये नीचे से शुरू हो रही है, जीरो से थोड़ा सा ऊपर से, और ये 10,000 से कम कंपनी फाइनल हो गई, ये आप देखें जो जहाँ पे ये कस्टमर है ये इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप देखें 10,000 देखें, यानी बी एस आर इसका 10,000 से आप देख रहे हैं कम कम ही रहा है, तो ये बहुत अच्छा बी एस आर, बी एस आर जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, अगर 5,000 होता है तो और ज़्यादा अच्छा, एवरेज ये हमें नजर आ रहा है 5,000 से 10,000 इतना तो हमें पता चलता है ना कि फिगर कि ज़्यादा लाइन कहाँ पे आ गई, ज़्यादा आप देखते हैं 5,000 से 10,000 के बीच, और उधर 5,000 से कम वो कम लाइन है, थोड़े अच्छा ऐसा हुआ है कि वो ठीक है, उससे नीचे तो कितना कम है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10,000 भी एक्सीलेंट बी एस आर है यूएसए के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को आप जाते हैं अगर लेस देन 10,000 या लेस देन 20,000 बी एस आर आ रहा है तो ये होलसेल की या ड्रॉप बहुत ही क्लास प्रोडक्ट। अब हम इसके अंदर जाते हैं, ये हमारे पास आगे ऑप्शन आती है चेक प्रोडक्ट में, हम भी जाएंगे हम किसी प्रोडक्ट को टैप नहीं कर रहे, ये हमारे पास डाटा आ रहा है, डाटा का टैब आ रहा है, बाय बॉक्स का हमारे पास आ रहा है, और बाय बॉक्स के ये हमारे पास डाटा आ रहा है, रेंज इन डेज लिखा रहा है 30, 90, 180, 65, नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो 90 डेज दिखा दे, हमने 90 डेज देखना होता है, वैसे आप 30 का भी देख सकते हैं, अब यहाँ पे 90 डेज में हमने क्या देखा है, बाय बॉक्स के बारे में हमने देखा है कि बाय बॉक्स सब लोगों को
ये देखें ना, इसका मतलब है कि जितने भी लोग इस पे बेच रहे हैं सबको ही कहीं ना कहीं बाय बॉक्स मिल रहा है, 7% 4% 2% 1%, लेकिन बाय बॉक्स मिलता जा रहा है। अब ये हम और नीचे जाके देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमारे पास एक और हमें नजर आ गई कि ये एक 0% खा रहे हैं, 0% ये 0% है। इसका मतलब है कि ये न्यू अकाउंट, ये जो रेटिंग का टैब आ रहा है जहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हमें बता रहे कि कितना पुराना अकाउंट। अब ये 0% रेटिंग है जी, न्यू अकाउंट है और इनको भी VSR मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है होलसेल के लिए। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे जी इतने अच्छे प्रोडक्ट है वीडियो में मिल गई, ये आज ही शुरू कर देते हैं। मसला ये है कि ये ब्रांड आपको अप्रूवल देना चाहिए। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये ब्रांड अप्रूवल दे देता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आसानी से अप्रूवल नहीं देते। अब ब्रांड को मालूम नहीं कितनी देनी है, कौन सा ब्रांड अप्रूवल देता है कौन सा नहीं देता, ये हम एंड पे जाके जब हम होलसेल के लेक्चर्स में जाएंगे होलसेल के बारे में सीखेंगे वो हम इसकी बात। अभी हमने एक ओवरव्यू लेना है, वो हम ले रहे हैं प्रोडक्ट में सबको, क्योंकि बाय बॉक्स मिल रहा है सबको। बाय बॉक्स का मतलब है सादा अल्फाज में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अमेजोन कहते हैं जी 2 घंटे की प्रोडक्ट आप बेच लें, उसके बाद आप नहीं बेचेंगे, 1 घंटा आप बेच लें, आप बेच लें। जिसके पास नॉलेज है ना तो पता है बाय बॉक्स क्या होता है। वो जब खरीदने के लिए आता है तो अगर बाय बॉक्स उस वक्त किसी और के पास वो खरीद नीचे हमारे पास ऑप्शन आते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पहले हम ये इसको देखें, कीपा को थोड़ा सा देख ले, फिर मैं आपको बाय बॉक्स का दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएशन का टैब हमारे पास नहीं आ रहा है। ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, उसके टोटल रिव्यूज आ रहे हैं, हमारे पास रिव्यू काउंट आ रहा है, टोटल रिव्यूज कितने परसेंट है, कुछ कैटेगरी की है, क्या है ये नीचे, इसलिए हमारे पास आ रहा है। फिर ये हमारे पास तो ऑफर्स का टैब है कि इससे कौन कौन से सेलर, ये देखा ना ये नेम के नीचे ये सेलर के नाम लिखे आ रहे हैं कि कौन सा सेलर किस किस प्राइस पे बेचता रहा है, क्या वो अपने प्राइस बहुत ऊपर करता रहा है बहुत नीचे करता रहा है। हमने देखा कि प्राइस एवरेज सेम आ रही है, ये देखा ये हमारे पास लाइन एक जगह पे आ रही है, तो प्राइस बहुत ज्यादा में वेरिएशन नहीं रही प्राइस। ऐसा नहीं था कि एक दिन $35 की थी एक दिन की होगी या 20 की होगी, 35 की थी तो 34 की होगी, 36 की होगी, तो हर हिसाब से ये प्रोडक्ट बड़ी फिट जा रही है कि प्राइस में वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है, अच्छी प्रोडक्ट है, VSR भी बहुत अच्छा है, तो एक आइडियल प्रोडक्ट फॉर सकती है बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रमोशन नहीं है। अच्छा, अब मैंने एक और टैब खोला है, उसमें भी ये कृपा इस तरह नीचे आ रहा था मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप कृपा पूरा सा देख चुके हैं। यहाँ पे एक चीज हमारे पास वेरिएशन का टैब ऐसा आ रहा है, जो कि ये देखो पिछले प्रोडक्ट में हमारे पास वेरिएशन का टैब यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो क्योंकि ये वेरिएशन वाले प्रोडक्ट है जिसके हम गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन का आ रहा है। लेकिन वेरिएशन को जाने से पहले मैं आपको डाटा और बाय बॉक्स बता देता हूँ। यहाँ पे ये डाटा में बाय बॉक्स आ रहा है, पिछले प्रोडक्ट में हम डाटा पे गए बाय बॉक्स पे गए 90 डेज का गए, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको बाय बॉक्स, लेकिन जब हम यहाँ पे गए हैं तो ये देखें सिर्फ 2 लोग हैं और बाय बॉक्स 100% अमेजोन के पास है, यानी अमेजोन खुद भी बेच रहा है ये प्रोडक्ट और किसी और को मौका नहीं मिल रहा है इस प्रोडक्ट को बेचने को, इसका बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। अब जब बाय बॉक्स अमेजोन के पास है और 100% अमेजोन के पास है, तो नहीं चाहेंगे ऐसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होलसेल के लिए नहीं है, क्योंकि हमें शायद इसकी कमीशन ही ना मिले। एक वजह ये भी हो सकती है ना कि अमेजोन ने इस ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप किसी और को ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इस तरह में इस तरह आप किसी भी ब्रांड के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी कंपनी आपके पास बड़ी रेस्टोरेंट है, आप डील कर सकते हैं जी आपके प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा अमेजोन पर, जितना स्टॉक होगा आप थोड़ा मुझे दें, तो इस तरह की कोई डील हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है, बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। वेरिएशन का टाइम, अब वेरिएशन यहाँ पे फ्लेवर जाना लेकिन अगर हम कहें टॉप पे जो बिकने वाली वेरिएशन है, बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो वो आपको चॉकलेट की वेरिएशन है। तो अगर आपका बजट कम होगा और आप किसी ऐसी प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसमें वेरिएशन आना है, फिर आपने यहाँ पे आकर देखना है वेरिएशन के टाइम पे देख लेना है कि कौन सी वेरिएशन है जो ज़्यादा, यानी ये 35 है, नीचे 29 है, नीचे 32 है, 35% जाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट की एक्शन ले लेंगे, प्रोडक्ट को बेच लेंगे। अभी मैं जाता हूँ बाय बॉक्स का आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप एक प्रोडक्ट खरीदने आया मतलब और आपने यहाँ बाय नाउ पे किया,
बाय नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं, शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय अबंडेंस पार्टनर एलएलसी। यहाँ पे हमारे पास ये कंपनी आ रही है कि इस वक्त ये प्रोडक्ट ये कंपनी बेच रही है, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ऑर्डर इसके पास जाएगा। लेकिन ये देखें नीचे ये 16 लोग और भी आ रहे हैं जो बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट। होलसेल के अंदर मल्टीपल होते हैं, आप V2 में जाके जैसे क्रिएशन में V2 में जाके आपको मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पे और लोग भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्राइस चेंज भी है, ये 22.29 की है, 22.30 की है, ये 24.87 की है, 25.50 की है। अब जिस बंदे के पास नॉलेज है ना बाय बॉक्स, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके देखेगा कि प्रोडक्ट कितने की बिक्री है। ये प्रोडक्ट बिक्री है 24.40, यानी किस वक्त बाय बॉक्स जिस बंदे के पास है वो इसको 24.40 की बेच रहा है। लेकिन मैं नीचे आके क्या देखता हूँ कि कुछ लोग इस प्रोडक्ट को 22.49 का भी बेच रहे हैं, तो $2-2.5 कम पे बेच रहा है ये बंदा, 22.30 ये भी $1-2 हमारे कम पे बेच रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट करके कितने भी बाय नाउ, आप ऐसा नहीं है कि जिसके पास बाय बॉक्स है जिसका नाम ऊपर लिखा रहा है उसी से खरीद, लेकिन अमेजोन के 70% बायर्स को बाय बॉक्स का नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा ये आगे सीधी है बाय नाउ पे। हम 2 घंटे के बाद हो सकता है, 3 घंटे के बाद हो सकता है, 4 घंटे के बाद किसी और दिन हो सकता है कि ये बाय बॉक्स इस बंदे के पास आ जाए जिसकी अनस्टॉपेबल बार्गेन्स है, वो 22.49 का बेचे। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो प्राइस 24.40 लिखे यहाँ 22.49 लिखे होगा, और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा रहा होगा सोल्ड बाय और चिप फॉर्म। ये सोल्ड बाय फॉर्म का मतलब है कि ये बंदा FBM में काम करता है, ये FBA प्रोडक्ट नहीं है, फुलफिल बाय अमेजोन नहीं है। अगर फुलफिल बाय अमेजोन होगी तो यहाँ पे चिप फॉर्म लिखा आएगा अमेजोन, और सोल्ड बाय तो ऑफकोर्स कंपनी का नाम आएगा जो भी कंपनी बेच रही है। तो बाय बॉक्स ये साइंस है। अब जो ड्रॉप शिपर है वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं, वो आते हैं देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट कितने की बिक रही है मैक्सिमम, तो वो उससे कुछ ऊपर पैसे लगा देते हैं या मिनिमम देखते हैं कितने की बिक रही है, उससे ऊपर $2-4 लग जाते हैं। अब अगर उनके पास ऑर्डर आ गया, अब मैं ये फर्क लेता हूँ जिसने 24.40 की लगाई है उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या करेगा, जब उसके पास ऑर्डर आएगा ये सिंपली ये नीचे जाएगा, 16 लोग और भी बेच रहे हैं, अच्छा जी 22.49 का भी इसका अनस्टॉपेबल वाला, वो जाके इसे खरीद लेगा, एड टू कार्ट कर लेगा और अपने बायर को भिजवा देगा। तो ड्रॉप शिपिंग के लोग ये काम लो इन्वेस्टमेंट के साथ, ये अभी शुरू में इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं, पैसे लगे कोई नहीं, ऑर्डर आया इसका मतलब है कि अब मुझे ऑर्डर आ गया, अब जो पैसे मेरे पास आएंगे मेरे अकाउंट में आएंगे। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है उसके बाद कोई भी बंदा जाता है इसे खरीदता है, उसको भेज दिया आपने $2 निकाल दिए, हमने देख लिया DSR भी देख लिया, प्राइस भी देख ली, प्राइस हमने देखा कि उतार चढ़ाव कितना होता है, अगर $20-$30 के अंदर अंदर रहती है तो ठीक है, बाय बॉक्स क्या सब लोगों में डिवाइड होता रहा है, वेरिएशन कौन से सेल होती रही है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली है, और यही हमारे वीडियो में कीपा का ओवरव्यू हम लेते हैं।